नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टियों पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। 2 करोड़ की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। 2 करोड़ वाली जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने की रजिस्ट्री में समय का अंतर महज 5 मिनट का है। बड़ी बात यह है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके ट्रस्ट 16.5 करोड़ का भुगतान भी कर चुका है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के ट्रस्टी चंपत राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज मैं आपके बीच में ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सबने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। और ये घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके बताना चाहता हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन जिसकी मालियत 5.8 करोड़ रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने 18 मार्च 2021 को 7:15 पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है 18.5 करोड़ का। 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। जब बैनामा कराया गया, कोई भी जमीन बैनामा कराइए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए उसमें गवाह लगते हैं। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ये दोनों लोग गवाह थे उस जमीन के बैनामे में। जब जमीन का बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया RTGS किया गया। और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया RTGS किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है
इस लूट के जिम्मेदार कौन है कि 10 मिनट में 2 करोड़ से जमीन 18.5 करोड़ की हो गई, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहा हूँ, ये अयोध्या राम की धरती, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती, लोगों ने अपने खून पसीने को काट कर चंदा दिया राम मंदिर के निर्माण के लिए, सहायता किया, सहयोग राशि दिया, लोग गली गली भटके राम के नाम पर मंदिर बनाने के लिए पैसा धन एकत्रित किया, और अगर आज उस धन का राम भक्तों के उस धन की बंडर बांट होगी, जमीन खरीदने के नाम पे इतना भ्रष्टाचार होगा, तो मुझे लगता है देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं का, हिंदुओं ही नहीं देश में रहने वाले 120 करोड़ लोगों का अपमान है। ये हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों, ईसाइयों का, सारे लोगों का अपमान है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण की बात कही सबने स्वागत किया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी लूट, 16.5 करोड़ रुपए जमीन के नाम पर, और सबसे बड़ा सवाल मैं ये कहना चाहता हूं, 17 करोड़ रुपए जो RTGS हुआ है खाते में, उस पैसे की जांच होनी चाहिए, पैसा किन किन में बटा, कहां कहां गया, जिससे पता लग जाए कि इस चोरी में, इस महाभ्रष्टाचार में कौन कौन लोग लिप्त हैं। एक पुरानी कहावत थी, राम नाम जपना पराया माल अपना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चरितार्थ साबित हो रही है। जिस तरह से भगवान राम के मंदिर के नाम पर करोड़ों का जमीन घोटाला किया गया, पूरे देश के राम भक्त, पूरे देश के हिंदू भारतीय जनता पार्टी के सरकार संरक्षण में आहत हैं। पूरा देश जानना चाहता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम के नाम पर चंदा खाएगी, भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला करेगी, भगवान राम के नाम की जमीन सिर्फ वोट मांगेगी, या भगवान राम के जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच भी। जन्मभूमि के ट्रस्टियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि ट्रस्टियों पर जमीन घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें 2 करोड़ की जमीन की कीमत 18.5 करोड़ रुपए के खरीदने का दावा किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तो इसी मामले पर तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली, जिसके बाद विपक्ष लगातार घेरते हुए भी दिखाई दिया। आपको बता दें कि सपा की तरफ से पूर्व नेता, पूर्व मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं आज आप की तरफ से संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टियों पर जमीन घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इस घोटाले में साफ तौर पर ट्रस्टी चंपत राय का नाम भी सामने आया है, जिन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ की जमीन की कीमत को 18.5 करोड़ रुपए बताया है। वहीं आपको बता दें कि आज ही के दिन लगातार विपक्ष की तरफ से जमकर हमला बोला गया है, जिसमें राम जन्म जिस तरीके से बोला गया है। वहीं इस मामले पर हमारे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री पवन पांडे जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे। तो पवन पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपकी तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं? बड़ी बात तो यह है कि जिस जमीन का बैनामा 18 मार्च 2021 को 7:05 पर 2 करोड़ रुपए में किया गया, और 10 मिनट के बाद ट्रस्ट द्वारा वही जमीन 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराई गई, और जो इसका प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि जब जमीन बैनामा कराई गई तब भी उसके गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे, और जब जमीन का 5 मिनट के बाद रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया गया तब भी उसके गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। तो मेरा आरोप है कि ट्रस्ट ने मिल करके 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा, यानी 16.5 करोड़ रुपए की लूट की गई। जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, राम मंदिर के मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से चंदा दिया, पैसा दिया, सहयोग दिया, उनके पैसे से लूट करने का काम अयोध्या में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने किया। और मैं एक आरोप और लगा रहा हूँ, ट्रस्ट लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है। जितने भी जमीनें दाखिल खारिज एग्रीमेंट इन्होंने किया है, रजिस्ट्री की है, सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के खून पसीने की कमाई से भ्रष्टाचार ये ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं। ट्रस्ट में लोगों ने सहयोग दिया था मंदिर के लिए, प्रभु श्री राम की मंदिर के लिए, अपनी जेब भरने के लिए नहीं दिया था। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ कि इसकी CBI जांच कराएं, और जो भी लोग दोषी हैं
उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जेल भेजें और इस ट्रस्ट को, भ्रष्टाचारी ट्रस्ट को भंग करके नया ट्रस्ट बनाना चाहिए। जिस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं वे बेहद ही गंभीर है, ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं इनमें आपके पास क्या कुछ सबूत मौजूद है? मेरे पास इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है, बैनामा भी है। बैनामा जो लिखा पढ़ी में है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लिखा पढ़ी में, ये सरकारी दस्तावेज है, ये मेरे घर का दस्तावेज नहीं है, सरकारी रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसमें सारे साक्ष्य मौजूद हैं कि 7:05 पे 2 करोड़ में बैनामा होता है, 7:15 पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है 18.5 करोड़ में जिसमें 17 करोड़ रुपया ट्रस्ट द्वारा RTGS किया जाता है, सारे सरकारी साक्ष्य हैं। और इसमें जो भी लोग दोषी हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे ट्रस्टी हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो, इन सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पर लूट करने के नाम पर, राम के मंदिर के नाम पर लूट करने के नाम पर, 120 करोड़ लोगों की भावनाओं को लूटने के नाम पर इन पर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाना चाहिए। पांडे जी, आगे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आगे क्या कुछ इस मुद्दे पर रुख देखने को मिलेगा? इस पर हम लोग इसको जन आंदोलन बनाएंगे, क्योंकि लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई दी है, इसमें लोगों ने अपने पास से पैसा दिया है, सहयोग दिया है मंदिर के निर्माण के नाम पर। तो इन जो ट्रस्ट भ्रष्टाचारी ट्रस्ट है और जो लोगों की भावनाओं से लूट कर रहा है, इसको जनता के बीच में ले जाएंगे और इन लूट करने वालों के काले चेहरे और काले कारनामों का खुलासा करेंगे और मांग करेंगे ट्रस्ट को भंग करके ईमानदार और अच्छे लोगों को ट्रस्टी बनाया जाए जिससे राम के मंदिर में लूट ना हो सके। धन्यवाद पवन पांडे जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी हमारे साथ सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे जुड़े हुए थे जो राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टियों पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ट्रस्टियों ने जमीन पर घोटाला किया है, जमीन के नाम पर बड़ा घोटाला करते हुए आज उन्होंने इस पूरे मामले से पर्दाफाश किया है। वहीं आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घोटाले के बारे में जानकारी दी है, जहां उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ट्रस्टियों के द्वारा 2 करोड़ की जमीन की कीमत को 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। वहीं उनका कहना है कि इस मामले में सपा आगे मुद्दे को जरूर उठाएगी और मांग करेगी कि ट्रस्टी को, जो ट्रस्ट है उसको भंग करके नए ट्रस्टियों को इस मुद्दे में लाया जाए और उनसे आगे का काम करा जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।